कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ होते हुए सरगुजा से गुजरी। जिन रास्तों से होकर ये न्याय यात्रा गुजरी, इन जगहों में केवल कोरबा लोकसभा की सीट ही कांग्रेस के कब्जे में है। मसलन राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस रायगढ़ और सरगुजा सीट पर अपना कब्जा करने की कोशिश में है। खासकर सरगुजा में जिस तरह से राहुल गांधी ने रोड शो किया है, इससे तो यही माना जा रहा है कि सरगुजा के लिए कांग्रेस के पास बड़ा प्लान है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज देश किसका में हम चर्चा करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस को होने वाले नफा नुकसान की। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों, आदिवासियों और युवाओं से बात की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल के वादे पर भी किसानों ने राहुल गांधी को जानकारी दी। ऐसे में बीजेपी के किसानों से किए अधूरे वादों को लेकर भी कांग्रेस चुनाव में मुद्दा बना सकती है। वहीं सरगुजा संभाग में विधानसभा चुनाव में हार को लेकर टीएस सिंहदेव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सार्वजनिक मंच से विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगी। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले सिंहदेव ने माफी मांगकर पुराने विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तमाम मतभेद को भूलकर एकजुट होने के मंत्र के साथ चुनाव में उतरने पर जोर देना चाह रही है। सरगुजा में न्याय यात्रा को लेकर सियासी समीकरण पर हमारे सहयोगी सुमित सिंह ने पत्रकारों से बात कर जमीनी हालात का जायजा भी लिया है। अंबिकापुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को होता नजर आ रहा है, या महतारी वंदन योजना का कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को, आइए हम यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से समझने का प्रयास करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोमी सिद्दीकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी स्टार्ट कर दिए हैं और यह यात्रा अब अंबिकापुर से भी होकर गुजर रही है, कितना असर कांग्रेस को कितना फायदा? देखिए, अभी तक राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जहाँ जहाँ से भी निकली है, वहाँ से कांग्रेस को फायदा हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। और अब न्याय यात्रा मान के चलिए कल सरगुजा संभाग में प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ काफ़ी वर्षों से यहाँ पे भाजपा लोकसभा चुनाव में काबिज रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव अगर पिछला बात करें तो कांग्रेस भी लंबे समय से रही है, लेकिन अब न्याय यात्रा आ रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को बेनिफिट होगी, लेकिन कितनी बेनिफिट होगी तो आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है अंबिका सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस किसे प्रत्याशी? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी नए चेहरे पे इस बार दांव खेलेगी, क्योंकि भाजपा का तो शुरू से ही एक नियम रहा है कि हर चुनाव में वो नए चेहरे को उतारती है, तो भाजपा को अगर टक्कर देना है तो कांग्रेस को भी नए चेहरे उसके साथ उतारना पड़ेगा, और कांग्रेस को नया चेहरा उतारना इसलिए भी जरूरी क्योंकि सरगुजा लंबे समय से लोकसभा जो सरगुजा लोकसभा है वो भाजपा के कब्जे में रही है। छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ, अभी तक 4 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और चारों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत, लगभग 1.5 लाख वोट से ऊपर से जीत का अंतर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरगुजा लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति भाजपा माने तो भाजपा 1,92,000 वोट से अभी भी आगे है, तो इतनी बड़ी खाई को अगर पाटने का बात करें तो कांग्रेस को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें तो यहाँ जो लोग आपसी कांग्रेस में मतभेद है, अगर ये मतभेद अगर हट जाए तो कांग्रेस लीड कर सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि मतभेद हटेंगे, क्योंकि कांग्रेस में काफ़ी मतभेद है जो सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना का लाभ विवाहित महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं वंचित हो गई जिनके परिवार आयकर दाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हर विवाहित महिला को देंगे, इसका कितना असर फायदा होगा जिनको मिल रहा है इस योजना का लाभ, या जो महिलाएं वंचित हो जा रही हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, महतारी वंदन योजना जब भाजपा के बड़े लीडरों ने जब इसे बताया तो कहीं ना कहीं हर एक महिला को ये आस था कि सबको पैसा मिलेगा, हर महीने मिलेगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूँ तो काफ़ी महिलाएँ फॉर्म नहीं भर रही हैं, भर ही नहीं पा रही हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है, और वहीं अब आईटी कहीं कई नियम भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी महिला इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और अगर इसका लाभ अगर भाजपा को लेना है तो भाजपा को जल्द से जल्द इस समस्या जो टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं उनको निपटाना पड़ेगा। 11 लोकसभा सीट में
कितनी, क्या लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लगभग क्या है? देखिए पिछले बार की तुलना करें तो इस बार जो वास्तविक ये है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर हर आदमी भावुक है, मंदिर बन भी गया, तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा की सीट तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। अब 11 की 11 आएंगे या कुछ कम होंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो भाजपा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। और भी स्थानीय पत्रकार हैं, आइए हम बात करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना फायदा कांग्रेस को होता है? देखिए ये जो न्याय यात्रा जो देख रहे हैं आप, इसका उद्देश्य देखा जाए ना, जो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है उसको जमाए रखने के लिए ये न्याय यात्रा कर रही है। लोकसभा सीट में इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप इसके पहले भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जहाँ पर अगर कांग्रेस की शासन रहती है तो भाजपा के सांसद रहते हैं। अगर उस नज़रिया उस समीकरण से देखें तो समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हर कोई दावा करता है, कांग्रेस दावा कर रही है 5 से 6 सीट निकालेंगे, भाजपा दावा कर रही है कि हम पूरे सीट निकालेंगे, तो एक सीट तो 11 ही है, बंटवारा जिस हिसाब से होगा। देखिए क्या है कि कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं है, जोड़ रही है, विपक्ष में रहने के बाद भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, ये बहुत बड़ा बात है। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये न्याय यात्रा का एक ही है, कांग्रेस अपना अस्तित्व तलाश रही है। या आप खुद देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में संभाग की बात करें तो 14 सीटें भाजपा के पास है, तो इस संभाग में 2 लोकसभा सीट आती हैं सरगुजा में, दोनों पे इस बार वही इसके पहले ज्योत्सनादास महंत वहाँ से हैं कोरबा से, यहाँ से रेणुका सिंह थे जो भी खाली है वर्तमान में। तो समीकरण जो भी होगा अपने संभाग का बात करें 2 सीटों में, तो 2 सीटों में एक एक का बंटवारा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनी 11 लोकसभा में? देखिए समीकरण जो बता रहा है, जो कह रहा है समीकरण के हिसाब से आधा आधा सीट हो सकते हैं, लेकिन जैसे लहर की बात करें, जो न्याय यात्रा की बात करें चाहे फिर मोदी लहर की बात करें, तो दोनों में अगर रेटिंग की बात करेंगे तो मोदी की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है राहुल गांधी से, तो उस हिसाब से देख लिया जाए तो सीट तो भाजपा ही की ज़्यादा आएंगे लोकसभा में। केंद्र की योजना से ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आया है छत्तीसगढ़ में, जो महतारी वंदन योजना या मोदी की गारंटी। देखिए क्या है कि जब जहाँ भी डबल इंजन की सरकार होती है, क्या पहले जब